राहुल बिष्ट और आज मैं आ चुका हूँ गोपेश्वर चमोली में, और अभी हम लोग हैं मुख्यालय चमोली में। और यहाँ पे अगर आप कभी भी गोपेश्वर आएँ तो आप जिलाधिकारी महोदय का जो ऑफिस है वहाँ पे आप लोग आए, वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव म्यूजियम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, जो काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा इनिशिएट लिया गया है हमारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और हमारी जो परंपरा है उसे आने वाली पीढ़ी तक इंफॉर्मेशन उसकी पहुँचाने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें हम जीवन के कर्तव्य कह सकते हैं, जैसे कि माँ बाप बच्चे को पालते हैं या फिर हम लोग अपने समाज को अपने धर्म को विस्तार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बट एक ना एक हमारा एक कर्तव्य हमारा ये भी होता है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये फ़र्ज बनता है कि जो हमारी पीढ़ी ने हमें दिया, जो हमारा कल्चर या हमारा जो भी विरासत में हमें मिली है, जो हमारी सभ्यता है या जो हमारा परंपरा है, उसे हम आगे की नई पीढ़ी के लिए एज इट इज़ दे। अगर सपोज हमारे यहाँ पहले से प्रचार चलता है कि आप लोग बड़े बुजुर्गों का पैर छुएंगे, उनको आप प्रणाम करेंगे, सुबह प्रातः उठ के आप लोग भगवान का नाम लेंगे, तो आपका फ़र्ज बनता है या हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को यही संस्कार, यही सभ्यता, यही जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं उनको बताएं। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया है जिसका नाम है पहाड़ी संग्रहालय। पहाड़ी लाइफस्टाइल, जो हमारी उत्तराखंड की जो भी लाइफस्टाइल है, जो पहाड़ों का जनजीवन है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ उससे मेमोरीज यहाँ पर इस्टेब्लिश है, यहाँ पे उन्होंने रखी है, जो आप म्यूज़ियम में देखें और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपसे निवेदन रहेगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करें और लोगों पर शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं कैसे दिखता है हमारा ये संग्रहालय। तो दोस्तों जैसे कि हम आ चुके हैं यहाँ पे जो इनिशिएट लिया है जिलाधिकारी महोदया चमोली द्वारा, तो ये है संग्रहालय जो हमारे परंपरागत जितने भी हमारे आभूषण हैं या जो भी हमारे परंपरा और हमारी इतिहास से संबंधित, जो हमारी सभ्यता संबंधित जो भी हमारे पास में कुछ आइटम्स हैं उनका ये संग्रहालय है। हमारे साथ में है सर, आपको शुभ नाम? सत्येंद्र सिंह गुसाई जी हैं हमारे साथ में, जो आज हमें बताएंगे कि इस म्यूजियम में क्या क्या चीजें हैं और वो किस प्रकार से पुराने समय में हमारे जीवन में प्रयोग में लाई जाती थी। जी सर, जैसे ही पुरानी गाड़ियां जो है, जिस प्रकार जो है सुई वाली गाड़ियां हैं ये, और ये अलार्म वाला नीचे जो है जिसे अलार्म फिक्स किया जाता है पुराने जमाने में, और उसी तरह ये ऊपर की साइड जिससे जो है ये 2 kg का होता है पाथा बोलते हैं जिसे, ठीक, और इसी में ये जिसमें वो बटर रखने वाला पहला बोलते हैं इसको। अच्छा, पहला पहला। और ये आपका जो है पुराने जमाने में जो FM रेडियो चलता था जिससे सारे बहुत सारे गाने आते थे, और इसी प्रकार ये रेडियो है टर्निस्टर जिसे बोलते थे, जिससे सारा समाचार वगैरह कभी हम दूरदर्शन ये में सुनते थे। हाँ, पूरा दूरदर्शन जो भी आता था, और ये वही है कैमरा पुराना जिससे रोल के द्वारा जो है वीडियोग्राफी या फोटो किया जाता था। इसी तरह सर ये आपका जो है ये ब्रिटिश के पूर्वतत्व जो है ये वो है, अच्छा बोलते हैं इसको स्टाम्प पेपर। अच्छा, ब्रिटिश टाइम के। हाँ, ब्रिटिश टाइम अंग्रेजों के टाइम के जो है स्टाम्प पेपर है। उसी प्रकार ये हस्तलिखित एक डायरी भी है। अच्छा, दुर्गा जी ने हस्तलिखित डायरी जो है। जब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने कर्सिव राइटिंग का प्रयोग किया है, अपने आप में कर्सिव राइटिंग बहुत इफेक्टिवली उन्होंने काम किया है, कितना बढ़िया कितना प्यारा लिखा है। उसी प्रकार ये पुराने बर्तन जो है पीतल के, जिसमें ग्लास हो गया, आपकी थाली हो गया, पुराने पुरातत्व जो थालियां होती इसकी, कांस के गिलास हो गया, जी ये वो हो गया थालियां होगी। उसी प्रकार ये बाल्टियां जो है पुराने जमाने में इस तरह पीतल की बाल्टियां जो है यूज करते थे लोग, ये लोटा हो गया, इसी प्रकार गिलास हो गया, ये थालियां। अच्छा, ये पीतल की बनी हुई है, कांस की? नहीं, पीतल की है कुछ, जैसे बाल्टी होगी पीतल की, ये कटोरा हो गया, इस तरह ये बर्तन जो है, और उसी प्रकार की बाल्टी भी है पुरानी में, और तराजू हो गया, ये सारा पीतल के आते थे, नीचे तो स्टील लगा हुआ है इसमें, लेकिन वैसे पीतल की में ज्यादा आता बनते थे। उसी प्रकार ये भंकोरा है, ओहो, ये पुराना
बंकोरा है इस तरह जो है पुरानी बंकोरी। अच्छा, आजकल के जो बंकोरे हैं वो आगे से मोटा होता है और पीछे से बारीक होता है जी सर। पर ये उस समय का है जो पहले से ही बारीक, पहले से बारीक बना हुआ है, एकदम बारीक है। इसी प्रकार ये खपर है। अच्छा, खपर जो पुराने जमाने में बर्तन तो ज्यादा पर्याप्त नहीं होते थे, इसी के द्वारा जो है खाना बनाया जाता था और ये खपर का प्रयोग जो है खाने में बनाने में प्रयोग किया जाता था। उसी तरह ये पोंछे है, ये हाथों में पहनी जाती थी पुराने जमाने की, इस तरह की पोंछे हैं ये। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पोंछियों का चलन अब दोबारा पुनः स्टार्ट हो चुका है, कि मैंने देखा कई युवा लोग अपने अपने पिछोड़ा हो चाहे पोंछी हो उसके बारे में नई नई जो मार्केटिंग स्किल स्टार्ट कर रहे हैं और भाई उसे बेच रहे हैं। तो आप लोग भी पोंछी को दोबारा ट्रेंड में लाके अपनी संस्कृति को जीवित कर सकते हैं जी सर। इसी प्रकार सर ये हो गया, ये पिन होती थी जो अंगड़ी हो, ये क्या बोलते हैं पाखुड़ी, क्या बोलते हैं पाखुड़ी बोलते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता था इसका लगाने का ऊपर की नीचे की साइड में। अच्छा, उसी प्रकार ये धागुले, ये धागुले जो है हाथों में पुरानी लेडीजें पहनती थी। अच्छा, इसी प्रकार ये वो है क्या बोलते हैं धागुले की प्रकार धागुले पर कड़े टाइप के बना, कड़े टाइप के ये सोन सांगल है इस तरह जो है, इसको भी जो है पुराने बाखली में जो है पहना जाता था। हाँ, और उसके बाद बेल्ट के रूप में नीचे टांका जाता था, जिसमें जो है आपकी सुई होगी और चिमटा हो गया और कान वाला हो गया। डेली रूटीन में इनको यूज किया जाता था, यूज किया जाता था पर भी बहुत बढ़िया। और ये गढ़वाली परंपरा कास्ट शैली है सर। अच्छा, इससे जो है कास्ट शैली में ये बनाया गया, पुराना कास्ट शैली में बनाया गया बहुत। उसी प्रकार ये मुकुट है सर, सलूट डूंगरा जोशी मठ में जो है इसका काफी बड़ा मतलब पोथी टाइप का होता है। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मुखोटे जिन्हें प्रयोग किया जाता है। जो आप जोशीमठ में जाओगे तो सलडुंडा एक गांव है, वहां पे रंबाण, जी हाँ दोस्तों रंबाण जो एशिया की सबसे एंशियंट सबसे पुरानी रामायण है या रामलीला एक प्रकार से कहा जाए, तो उसमें इन मुखोटों का प्रयोग होता है। मैं आपको बता दूं इसमें मुख्यतः मोर मुराइन के जो मुखोटे होते हैं वो होते हैं, इसमें ये बाघ का मुखोटा होता है, गणेश का मुखोटा होता है, ये रंबाण में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक विभिन्न प्रकार की लोक जीवन के ऊपर जो गाथाएं होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे एक एक्ट किए जाते हैं, जो ये मुखोटा पहन के किए जाते हैं। अपने आप में हेरिटेज और सबसे पुरानी एशिया की एंशेंट जो रामायण है रंबाण कहलाती है। और अपने आप में ये देखिए, ये हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, पर अगर हम चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने इस प्रकार मुखोटा बना के अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। बट इनिशिएट कौन लेगा, इनिशिएट अगर लिया जाए इन मुखोटों को काफी अच्छे तरीके से मार्केटाइज करके या इनका प्रचार प्रसार करके लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जा सकता है और इसकी जो संस्कृति का विकास किया जा सकता है। बोलो, ये चंद्रोली है जो गले में पहनी जाती है और इसको बोलते हैं चंद्रहार जी, ये चंद्रहार जो कमर में पहनी जाती है। अच्छा, ये कमर वाला है, ये कमर वाला है, ये गले वाला, गले वाला। ठीक है सर, इसी तरह ये जो है आठवीं सदी पूर्व जो है केदारनाथ मंदिर है, इस तरह जो है पहले केदारनाथ का मंदिर इस प्रकार से था। अब वो जो आपदा के बाद जो टूट चुका है तो प्रांगण जरा बड़ा कर दिया उन्होंने जी सर। इसी में एक हस्त वो है क्या बोलते हैं जिससे पुराना वो लिखते थे। अच्छा, ये कलम, कलम। अच्छा, इसको दिखा देता हूँ आपको, ये वाली कलम है, ये हस्तलिखित जो कलम थी। ये तो क्या बोलता मैं भूल गया यार, फोल्डर टाइप का बोलते हैं। हाँ, फोल्डर टाइप का कलमदान है इस तरह जो है, ये वो जबरदस्त जिसको जो है पुराने मतलब पाँव में पहना जाता था इसको। अच्छा, तो ये जवरी है, पायल भी है इसमें और जवरी भी है सारी। उसी तरह ये जो है ये कान के हैं। अच्छा, इनको कान के ऊपर ऊपर की
इससे में ही इनको पहना जाता है। अच्छा अच्छा, जो हमारे भोटिया लोग होते हैं, भोटिया लोग जो भी या पुराने जो पहाड़ी लोग हैं वो लोग इसको ऐसे पहनते थे, इस तरह पहनते थे। और ये हो गया, ये क्या है, ये सूर्य कवच, ये तो ऐसे लगा रखा है सूर्य कवच। अच्छा, दीपक का प्रयोग किया जाता है ये। हाँ ठीक है, दीपक का प्रयोग, आरती वगैरह। इसी तरह ये हांसली है जी, इस तरह जो है पुरानी महिलाएं जो भी है ये इस तरह हांसली पहनते थे गले में। ये छोटी वाली अभी भी मतलब बच्चों को पहनाई जाती है। हाँ, वो दगुली हांसुली तो हमने भी अपने बचपन में पहनी थी कभी। पर ये वाली की संस्कृति जो है अब लुप्त होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, इसे कोई भी नहीं पहन रहा है। बुका भी इसी से जो है पूरे गढ़वाल में यही बुका मतलब चलता था। हाँ, ये पानी वाला हुक्का है ना, पानी वाला हुक्का। आपने इसमें एक नेरुल वाला हुक्का भी रख देना, नारियल वाला नहीं पहते, नारियल वाला ना, नारियल वाला उसी में आता है, ये तो बड़ा कांस वाला है। हाँ, पर वो भी रखते थे ना आप, तो और बढ़िया कांस का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कांस का होता है। इसी प्रकार ये जो है पुरानी जो हमारी मुद्रा है ये इस तरह है, इसे नहीं उधर से पुरानी वाली, ये तो नहीं है अभी काफी, ये हमारे पुराने उसमें आ गए। जैसे ये 10 रुपया है जी जी जी, ये हमने भी नहीं देखा। इसी प्रकार ये 100 रुपया, ये हमने भी नहीं देखा, सही बात। हाँ, ये 100 रुपया दोनों तरफ उल्टा सुलटा, ये 100 रुपया हो गया। इसी तरह इधर ये पुरानी जो है उसमें जिसे काना पैसा कहते थे, हाँ उसी प्रकार ये काना पैसा है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 54 फिर उसी तरह बढ़ते आगे पीतल के, एक पैसा दो पैसा। उसी तरह ये पुराने जमाने के 1 5 का सिक्का भी है नीचे के साथ, ये दिख रहा होगा 50, उसी पर 1 रुपया 2 रुपया, ये पुराने है सारे। पर यह है इसमें ये ऊपर से रोड़ा लगता है, मथने का काम करता है। तो इसमें दही डाल के जो है आपका छाछ मक्खन इस तरह का काम है, ये प्रयोग में आता है, ये संस्कृति है। ये भी इस पर एक प्रकार से ये इसको बोलते हैं धोखा, वैसे ऊपर की साइड है ना धोखा, ये ताकुली होगी और ये इधर से कताई कर ले। तो मतलब जैसा इन्होंने कहा था भी एक अपने लिए पहले बना रखा है, ये भी घूमटा जी। अच्छा, उसके बाद गुलाबंद हो गया जी, उसके बाद हो गया ये, हो गया आंगड़ी, हाँ है ना, और उसके बाद होगी पगड़ी नीचे, ये पगड़ी जो पागड़ू, पागड़ू हाँ, पागड़ी जिसको बोलते हैं कमर। उसके बाद ये घाघरा हो गया, ये लवा है, लवा ये नीचे घाघरा हो गया, ये लवा हो गया। बस इस तरह जो है भुटिया का निर्माण ये जो है इस तरह पहनते थे पहले। तो दोस्तों, कभी भी आप लोगों से निवेदन रहेगा, कभी भी आप लोग अगर गोपेश्वर में आए तो एक बार इस जगह का विजिट अलग जरूर करें। आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी और बहुत सारी जानकारी आप लोग इकट्ठा करके अपने आने वाली पीढ़ी को आप लोग विरासत के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिलाधिकारी महोदया का कि आपने इस प्रकार का इनिशिएट लेके कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इंफॉर्मेटिव म्यूजियम यहाँ पे बनाया है, जिससे हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में, अपने उत्तराखंड के बारे में, अपने पहाड़ की जीवनी, जनजीवन के बारे में अच्छा वाला ज्ञान ले सकते हैं। और आप लोग से निवेदन रहेगा कि हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड लाइफस्टाइल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसे उसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।